नमस्कार दोस्तों, स्वाद अनोखा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिकनिक की सीजन चल रही है, सब कोई अपने अपने घर से कुछ न कुछ बनाकर ले जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाते हैं। तो चलिए आज मैं ये रेसिपी पिकनिक के हिसाब से ही बनाती हूँ। इसका नाम है पतोड़ वेजिटेबल बॉल्स। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक बॉल में एक कप बेसन, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और थोड़ा सा हींग। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें आधा कप दही और डेढ़ कप पानी डालकर इसका बैटर बनाएंगे। बैटर तैयार है। अब इसको एक बार रखते हैं साइड में और आगे की तैयारी करते हैं। आप गैस पे एक पैन रखेंगे, उसमें डालेंगे एक चम्मच तेल, आधा कप चॉप किया हुआ गाजर, आधा कप चॉप किया शिमला मिर्ची और एक तीखी हरी मिर्च कटी हुई, और इसे सोते कर लेंगे। सब्जियां आप अपने मनपसंद से कुछ भी डाल सकते हो। अब एक बार इस पैन को साइड में रख करके एक कढ़ाई को गैस पे चढ़ाएंगे। अब इसमें डालेंगे अपना तैयार किया हुआ बेसन का बैटर और सोते की हुई सब्जी, और इसे लगभग 15-20 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों, चम्मच लगातार चलाते जाइए, नहीं तो ये चिपक जाएगी। देखिए, बैटर एकदम गाढ़ा हो गया है। अब इस स्टेज पे डालेंगे दो चम्मच तेल। अब इसे तब तक पकाएंगे जब तक ये उंगली पे चिपके नहीं। देखिए, मिश्रण पूरा पैन छोड़ने लग गया है और उंगलियों पे भी चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब ये मिश्रण एकदम तैयार है। अब गैस को करते हैं बंद और इसे होने देते हैं थोड़ा ठंडा। मिश्रण ठंडा हो गया है। अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगाकर इसके बॉल्स बनाएंगे। सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं। अब इस पे छोक लगाते हैं। अब फिर से एक कढ़ाई लेंगे और दो चम्मच तेल गरम करेंगे। तेल गरम हो गया है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच राई, दो तीखी हरी मिर्ची लंबी कटी हुई और करी पत्ते। अब इसमें डालेंगे अपने बॉल्स। ऊपर से धनिया पत्ती और एक नींबू का रस डालकर इसे एक मिनट तक भूनेंगे। अब गैस को करते हैं बंद और इसे करते हैं सर्व। पतोल वेजिटेबल बॉल्स बनकर तैयार है। मैं इसे धनिया चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे सॉस या लहसुन चटनी के साथ भी खा सकते हो। आप इसे शाम की चाय के साथ भी खा सकते हो और पिकनिक में भी ले जा सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें।